हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज हमें एक्सरसाइज आई आपके साथ बस एक बार डिस्कस करनी है। बहुत से बच्चों ने एक्सरसाइज आई कर ली होगी और मैंने कहा था ये सबसे आसान एक्सरसाइज है। तो फटाफट से बच्चों अपना रजिस्टर निकाल लो और एक बार हम एक्सरसाइज आई भी डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, द सॉल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और वो कह रहा है कि हमें इनकी वैल्यूज बतानी है। तो बच्चों, जब हमने क्यूबिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लिखा था तो मैंने कहा था जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है उसे क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, और क्यूबिक इक्वेशंस के अंदर हमेशा एक्स के तीन रूट्स होते हैं, यानी तीन वैल्यूज निकलती हैं। तो इसीलिए आप ऑप्शन में जो भी ऑप्शन देख रहे हैं उसमें तीन तीन वैल्यूज का एक ट्रिपलेट का जोड़ा दे रखा है। तो हमें बस वैल्यूज पुट करके देखना है कि कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो जैसे मैं एक बार वैल्यू एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो ये इक्वेशन जो है 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, इसे सॉल्व करोगे तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब 1 जो है एक्स की वैल्यू है, या दूसरी भाषा में इसको ये भी समझ सकते हैं सिर्फ समझने के लिए, हालांकि जरूरत नहीं है, कि एक्स माइनस 1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का एक फैक्टर एक्स माइनस 1 रहा होगा, क्योंकि जब एक्स माइनस 1 एक फैक्टर होता है हम उसको 0 के बराबर रखते हैं तभी एक्स 1 बन के सामने आता है। तो अगर हमें पता है कि 1 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो 1 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। तो मुझे ये पता है कि एक्स की एक वैल्यू 1 तो है, लेकिन हमें टोटल तीन वैल्यूज चाहिए। तो अब मैं पुट करता हूं 2 इस इक्वेशन में, तो एक्स की जगह आप 2 पुट करोगे तो 8 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6, 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6, 22 और 8 हो गया 30, 24 और 8 6 भी हो गया 30, तो मतलब ये भी आ रहा है 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 भी सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को, तो यानी एक वैल्यू 2 भी रहेगी। एक वैल्यू मैं पुट करता हूँ अब 3 इस इक्वेशन में, तो 3 का क्यूब यानी 27 माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6, तो 27 माइनस 54 प्लस 33 माइनस 6, तो 27 और 33 हो गए 60, और माइनस 60 ये भी आ रहा है 0। तो इसका मतलब ये तीन वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो एक्स की तीन वैल्यूज हो गई 1, 2 और 3। तो हमारा इसमें जो सही ऑप्शन हो गया बच्चों वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। स्टडी मटेरियल में पीछे अगर गलत दे रखा है तो आप उसको करेक्ट कर लेना, सही ऑप्शन है बी। तो तीनों वैल्यूज जो एक्स की सेटिस्फाई करेंगी इक्वेशन वो हैं 1, 2 और 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर भी हमें वो कह रहा है कि भाई बताओ क्या है एक्स की तीन वैल्यूज। तो बस हम पुट कर करके देख लेंगे बच्चों ऑप्शंस में से। तो जैसे मैं पुट करके देखता हूँ, पहले एक्स की जगह 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2, तो ये तो 0 आ रहा है, तो 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर मैं पुट करके देख लेता हूँ माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 2 माइनस माइनस 1 माइनस 2, तो ये बेसिकली ये भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब माइनस 1 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर मैं एक बार पुट करके देख लेता हूँ माइनस 2 इस इक्वेशन में, तो माइनस 8 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8 माइनस माइनस 2 मतलब प्लस हो जाएगा और माइनस 2, तो उसमें भी 0 आ रहा है। तो बस हमें फटाफट ये देखना है
कि कौन सी वैल्यूज x को पुट करके गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ये तीन वैल्यूज गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो वो हम ऑप्शन में से देख लेते हैं। तो माइनस वन, वन और माइनस टू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्स एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फाइव आर द फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। कह रहा है एक इक्वेशन के ये तीन फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब पता है इक्वेशन क्या हो रही होगी? इक्वेशन होगी एक्स एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो, ये हो रही होगी। ये कहना चाहता है, मतलब वो इसी बात को अंग्रेजी में लिख के दे रहा है कि x x माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एक लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन के कह रहा है फैक्टर्स हैं। तो इक्वेशन के फैक्टर्स मतलब ये कहना चाह रहा है वो। तो उसके ये कहते ही हम समझ जाएंगे तीन बातें कि फैक्टर्स x इज इक्वल टू जीरो एक वैल्यू मिल गई, x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो तो एक दूसरी वैल्यू मिल गई, x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो तो x की माइनस फाइव वैल्यू मिल गई। तो अभी ये तीन वैल्यू मिल गई हैं, तो वो ये पूछ रहा है इसमें ऑफ द इक्वेशन, पूछ रहा है ये किस इक्वेशन की हैं, पूछ रहा है ये किस इक्वेशन के फैक्टर्स हैं। तो इसमें बच्चों हमें उल्टा करना है, ये क्वेश्चन उल्टा आ गया। अब हमारे पास x की तीन वैल्यूज हैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन में, अब इस बार हमें ये पहचानना है कि ये तीन वैल्यूज कौन सी इक्वेशन की हैं। तो आप इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशनों में पुट करना, तो जीरो तो चलो सब में सेटिस्फाई हो जाएगी, तो जीरो को छोड़ो, फोर पुट करते हैं। तो फोर को आप, हमें एक इक्वेशन दे रखी है जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स, ठीक है ना, ये इक्वेशन दे रखी है इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें जीरो पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा। अब इसमें मैं एक बार फोर पुट करके देख रहा हूं, तो फोर का क्यूब, फोर का क्यूब चौसठ प्लस फोर का स्क्वायर सोलह माइनस बीस इंटू फोर अस्सी, तो क्या ये जीरो आ रहा है? आ रहा है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को फोर भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर इसी इक्वेशन में माइनस फाइव पुट करो, तो माइनस फाइव का क्यूब माइनस एक सौ पच्चीस प्लस माइनस फाइव का स्क्वायर पच्चीस माइनस बीस इंटू माइनस फाइव प्लस सौ, तो ये भी जीरो आ रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन को माइनस फाइव भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसको ये तीनों वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं, देख रहे हो ना आप। अब ये तीनों वैल्यूज आप किसी और इक्वेशन में डालना तो जीरो नहीं आएगा, मान लो फोर है वो आप किसी और इक्वेशन में पुट करो जीरो नहीं आएगा, या माइनस फाइव है किसी और इक्वेशन में पुट करो जीरो नहीं आएगा। तो ये तीनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी इस इक्वेशन को ही ऐसे लिखा गया होगा। आप चाहें तो इसको ओपन करोगे जब, तो वो यही बन जाएगा। ठीक है सर, ठीक है ना। तो अब ये इक्वेशन कौन सी दे रखी है हमको? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, द इक्वेशन दे रखी है हमें थ्री एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो हैज गॉट थ्री रूट्स, हेंस द फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आर। कह रहा है इसके फैक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे, फैक्टर्स मतलब बना के कह रहा है कि दिखाओ। तो इन दोनों में से अगर मैं पहले थ्री एक्स कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, इसमें से माइनस वन कॉमन ले लेता हूं, या खाली सॉरी x कॉमन ले लेता हूं, थ्री अंदर ही छोड़ दो, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स बचेगा, तो एक x और ले सकता हूं, तो x स्क्वायर ही बाहर ले लेता हूं। चलो ठीक है, तो x स्क्वायर को कॉमन लिया तो अंदर बचा थ्री एक्स प्लस फाइव, फिर माइनस वन को कॉमन लिया तो उधर बच गया थ्री एक्स प्लस फाइव, इन दोनों में से माइनस वन कॉमन ले लिया इज इक्वल टू जीरो।
तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक फैक्टर बन गया, 3x प्लस 5 दूसरा फैक्टर बन गया इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के ये तीन फैक्टर्स बन गए। तो ये तीन फैक्टर कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और 3x प्लस 5, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब इक्वेशन के रूट्स पूछ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0 आर। ठीक है, तो बस आप इसमें वैल्यूज पुट कर करके देख लो, हमें ऑप्शंस दे ही रखे हैं। तो एक बार अगर मैं पहले 3 पुट करता हूँ, तो 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 सत्ते 63 माइनस 21 इंटू 3 63 माइनस 27, तो 0 आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू 3 सेटिस्फाई कर रही है। अब मैं पुट करके देख लेता हूँ माइनस 9, तो माइनस 9 का क्यूब माइनस 729 माइनस 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 7, तो 81 इंटू 7 बच्चों करना पड़ेगा, 81 इंटू 7 और 87 जा 56। ठीक है, उसके बाद माइनस 21 इंटू माइनस 9, तो माइनस 21 इंटू माइनस 9 ये आएगा प्लस 189 और माइनस 27 तो है ही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक बार देखते हैं बच्चे क्या आ रहा है कैलकुलेटर पे। कैलसी ओपन करा जाए, कर लिया सर कैलसी ओपन, फटाफट बटन दबाए जाएं, 729 और 27 तो माइनस वाले हो गए, 567 और 189 प्लस वाले हो गए, हाँ 0 ही आ रहा है बच्चों। तो इसका मतलब x की वैल्यू माइनस 9 भी इसको सेटिस्फाई कर रही है। और फिर x की वैल्यू माइनस 1 भी एक बार पुट करके देखता हूँ, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इंटू माइनस 21 प्लस 21 माइनस 27, तो 28 और माइनस 28 ये भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब x की तीन वैल्यूज जो सेटिस्फाई कर रही हैं गिवन इक्वेशन को वो हैं 3 कॉमा माइनस 9 कॉमा माइनस 1, तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो बस हमें ये पता लगाना होता है कि कौन सा ऑप्शन हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसमें भी हम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यूज हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में अगर मैं एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लूं तो अंदर बचेगा x प्लस 1, फिर माइनस 1 को बाहर निकाल लूँ तो इसमें भी बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक फैक्टर बन गया, x प्लस 1 एक फैक्टर बन गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ तो एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, तो एक वैल्यू तो आ ही गई। और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू रूट 1 और रूट 1 से बाहर आके प्लस माइनस 1, तो x की तीन वैल्यूज आ गई, 1 और माइनस 1 तो यहां से और एक माइनस 1 वहां से। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऐसा दे रखा है 1 और माइनस 1, और माइनस 1 किसमें दे रखा है जी, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए में ये हो जाएंगी हमारी वैल्यूज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द सेटिस्फाइंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल्स टू 0 आर। ठीक है, तो एक वैल्यू 0 तो होगी ही होगी,
है ना, क्योंकि एक फैक्टर तो सीधा सीधा कांस्टेंट तो कुछ है नहीं, तो एक्स की वैल्यू जीरो तो होनी ही है एक। और तो इसमें तो अगर आप फैक्टर वैसे बना लोगे तो भी आसान हो जाएगा, कि स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। और ये अभी क्वेश्चन नंबर वैसे 3 भी था, क्वेश्चन नंबर 3 यही था बेसिकली, उल्टे फॉर्म में दे रखा था। तो एक्स ये बन जाएगा एक स्क्वायर प्लस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 5x माइनस 4x। इसमें एक्स को कॉमन ले लेता हूँ मान लो, तो बच गया एक्स प्लस 5 माइनस 4 एक्स प्लस 5। तो एक्स एक्स माइनस 4 एक बन गया, एक्स प्लस 5 एक फैक्टर बन गया, इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स की तीन वैल्यू आ गई, एक तो एक्स इक्वल्स टू 0, एक एक्स इक्वल्स टू 4 इस वाले फैक्टर से, और एक एक्स इक्वल्स टू माइनस 5 इस वाले फैक्टर से। तो ये हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 का ही रेसिप्रोकल क्वेश्चन है, उसमें ये तीनों गिवन थे, कह रहा था इक्वेशन निकालो, इसमें इक्वेशन गिवन है, कह रहा है ये तीनों निकालो, तो ठीक है। तो निकाल लिया हमने 0 और 4 और माइनस 5, चाहे तो आप पुट भी कर लेते, सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ऐसे करके देख लेते तो भी आंसर आ जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बच्चों हमने अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 करा ही था, तो ये तो सेम ही है, तो इसका भी ऑप्शन बी ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो सेम क्वेश्चन 5 ही था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें 4x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, चलो अंदर बचा x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो बचा ये माइनस था बच्चों, माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ, तो बचा एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर बन गया 4x स्क्वायर माइनस 1, एक फैक्टर बन गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसे जब सॉल्व कर लेते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 मिल गया एक, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 मिल गया एक। तो इसमें 1 उधर चला गया और 4 नीचे चला गया, तो एक्स स्क्वायर बन गया 1/4। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 1/2, और यहां से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी माइनस 2। तो लिख लेता हूं अगले पेज पर, तो x की तीन वैल्यूज जो आ रही हैं वो आ रही हैं 1/2, फिर एक माइनस 1/2, और फिर एक आ रही है माइनस 2, है ना। ये तीन वैल्यूज हमारी x की निकल गई बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। तो एक फैक्टर था 4x स्क्वायर माइनस 1, एक फैक्टर था x प्लस 2, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0 से हमारी तीन वैल्यूज निकल गई। अब वो कह रहा है फाइंड या द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 की वो वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगी। तो 2x प्लस 3 में एक बार 1/2 पुट करो, तो 1/2 पुट करोगे 2 से 2 कट गया 3, माइनस 1/2 पुट करो तो 2 से 2 कट गया माइनस 1, माइनस 1 प्लस 3, अच्छा 1/2 पुट करा तो 3 प्लस 1 बनेगा 4, सॉरी बच्चों सॉरी, एक वैल्यू 4 बनेगी। माइनस 1/2 पुट करोगे तो 2 से 2 कट गया माइनस 1, माइनस 1 प्लस 3 2, और माइनस 2 पुट करोगे तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1। तो तीन वैल्यूज इसकी ये निकलेंगी जो पूछ रहा है 2x प्लस 3 की, माइनस 1, 2 और 4। तो माइनस 1, 2 और 4 किस ऑप्शन में दे रखा है, ए, ए ऑप्शन में ये तीनों वैल्यूज दे रखी हैं 2x प्लस 3 की। तो उसने हमसे 2x प्लस 3 की वैल्यू पूछी थी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द रैशनल रूट, रैशनल मतलब कि जो फ्रैक्शन में ना हो, तो ए और बी तो शक्ल से ही गलत हो गए ऑप्शन, रैशनल का मतलब होता है जो उल्टा सीधा ना हो, तो ए और बी तो शक्ल से ही गलत हो गए।
तो कह रहा है इसके रैशनल रूट बताओ, तो सी या डी में से कोई एक होगा। तो पहले टू पुट करके देख लेते हैं, एक्स की जगह टू पुट करो, तो 2 × 8 − 4 − 4 × 2 + 2, 16 − 4 − 8 + 2, तो 2 कितना आएगा, −12, और माइनस ये तो 0 नहीं आ रहा। अब 2 की जगह x की जगह −2 पुट करके देखो, तो −2 पुट करोगे तो −2 का क्यूब हो गया −8, −8 × 2 − 16, फिर −2 का स्क्वायर तो 4 ही रहेगा, फिर −2 × −4 + 8, +8 + 2 = 10, ये भी 0 नहीं आ रहा। तो 2 भी 0 नहीं आ रहा, −2 भी 0 नहीं आ रहा, वैसे तो कोई ना कोई तो आना चाहिए था। तो हो सकता है इसमें कुछ और हो, अगर मैं सॉल्व करके देखूं, लेट्स चेक, हो सकता है इक्वेशन कुछ और हो, देख लेते हैं, कोई ना कोई तो वैसे आना चाहिए। तो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ये बच गया 2x − 1, इसमें −2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये भी बच गया 2x − 1, तो x²−2 एक फैक्टर बन गया, 2x − 1 एक फैक्टर बन गया। तो सॉल्व करूँगा तो x²−2 = 0 और 2x − 1 = 0, तो x²=2, तो x = ±√2, और यहाँ से x की एक वैल्यू निकल रही है 1/2। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन में ही कमी दे रखी है, तो इसके जो रूट्स निकलेंगे वाई सॉल्विंग, क्योंकि सॉल्विंग तो गलत हो ही नहीं सकती, तो इसके तीन रूट्स जो निकलने चाहिए वो वैसे तीनों ही इरेशनल निकल रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन में ही खोट है, कोई बात नहीं, बस अपन ने तो सॉल्व कर लिया, हमें फंडा बताना होना चाहिए। आप अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, ऑप्शन में से कोई एक वैल्यू सॉल्व कर देती इसको सेटिस्फाई, तो वो आंसर हो जाती। तो ये था बच्चों पूरा का पूरा हमारा डिस्कशन। अब चैप्टर फिनिश हो चुका है, लेकिन आपके लिए सलाह ये है कि एक बार आप सारे क्वेश्चन जरूर अपने हाथ से एक बार अवश्य करें, ठीक है ना। सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इन क्वेश्चनों को अपने हाथ से अवश्य एक बार करें, देख के लगता है कि हाँ हमें आ गया है, लेकिन एक बार अपने हाथों से करें, जब फंसे जिस क्वेश्चन में तब आप वीडियो लेक्चर का इस्तेमाल करें।